फंदे से लटका मिला मंदिर के पुरोहित का शव, प्रेमिका से हुई थी लड़ाई। झारखंड के जरमुंडी थाना अंतर्गत वासुकीनाथ बाईपास में किराए के मकान में एक युवा पुरोहित का फंदे से झूलता हुआ शव पुलिस ने बरामद किया है। मृतक की पहचान 19 वर्षीय अमरीश आनंद पिता सुभाष ठाकुर ग्राम मंजरा कोल चंदू बथान सरायाहाट दुमका के रूप में हुई है। शुक्रवार को जब पुरोहित ने दिन भर फोन नहीं उठाया तो घर वाले मामले की जानकारी लेने देर शाम वासुकीनाथ पहुंचे, तब जाकर मामला प्रकाश में आया। दरअसल पुरोहित वासुकीनाथ में किराए के मकान में रहकर मंदिर में पूजा पाठ का काम करता था। बताया जाता है कि पुरोहित बहुत ही कम उम्र से बाबा वासुकीनाथ धाम में श्रद्धालुओं को पूजा पाठ कराने के काम में जुट गया था। उससे उसकी रोजी रोटी चल रही थी। इसी बीच उक्त युवा पुरोहित को एक युवती से प्रेम प्रसंग हो गया और उसी से अक्सर वह बातचीत किया करता था। बताया जाता है कि युवती से किसी बात को लेकर वाद हुआ था और उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। थाना प्रभारी सत्यम कुमार ने बताया कि शुक्रवार की देर शाम की घटना है। रात में ही शव को उतारकर थाना लाया गया था। सुबह में दुमका PJMCH पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है, सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। फिलहाल UD केस दर्ज किया गया है। परिजनों के आवेदन के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। पोस्टमार्टम के बाद शव को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। बताया जाता है कि सुबह में किसी बात को लेकर दंपति के बीच कहासुनी हो गई। गुस्से में आकर दोनों ने एक साथ कीटनाशक दवा को खा लिया।